बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों का टॉपिक है कि हम लोग कैसे शुरू से लेकर आखिर तक एक कंटेंट को स्पिन भी करेंगे, एक ऐसा कंटेंट जो खुद से लिखा हो और एक ऐसा कंटेंट जो हमने रीराइट किया हो वर्ड एआई से। दोनों कंटेंट्स को हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, उसकी पिक्चर्स सब कुछ ऐड करने के बाद साथ ही उसके कीवर्ड्स जो हमने रिसर्च किए वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही उसके एफिलिएट लिंक्स और फिर साथ साथ उसके बैक लिंक्स भी बना लेंगे। तो ये सारा काम आज इस वीडियो में होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने जो आर्टिकल 1 लिखा है ये आर्टिकल मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, ये तकरीबन 1438 वर्ड्स का कॉन्टेंट है। अब इस कंटेंट को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पे, मगर इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक ये कंटेंट है जिसको हमने नेट से उठाया। ठीक है जी, ये व्हील बैरोज पे है। इस कंटेंट को हम लोग स्पिन करेंगे। इस कंटेंट का मेन हिस्सा मैंने उठाकर इसमें ऐड कर दिया है वर्ड एआई में। हाउ टू चूज द बेस्ट व्हील बैरो फॉर हॉर्सेस, अच्छा ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। आपने सिंपल करना ये है, जहाँ टेबल का हिस्सा है वहाँ मैंने सिर्फ टेबल लिख दिया कि बाद में हम लोग खुद से मैन्युअली टेबल को ऐड कर देंगे अपने कंटेंट में। ठीक है, अब इस कंटेंट को हमने स्पिन पे लगा दिया। आपने मेक श्योर करना है कि वर्ड एआई में आपने इसको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है रीड टेबल पे, यूनिक पे नहीं करना, ना ही वेरी यूनिक पे। आपने सिंपल रीड टेबल पे क्लिक करना है और इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ से स्पिन कर देना है कंटेंट को। जब तक ये कंटेंट आपका स्पिन होगा, हम लोग थोड़ा सा माउस खोल लेते हैं और माउस पे कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये आपका स्पिन हो रहा है कंटेंट, ठीक है, ये आपका एक कंटेंट मैंने वो लिखा है जो मैंने खुद लिखा है और उसको भी मैं आज अरेंज करूंगा इस लाइव वीडियो में। और इस लाइव वीडियो में मैं साथ ही आपको एक ऐसा कंटेंट जो हमने स्पिन कर रहे हैं वर्ड एआई से किसी का कंटेंट, उसको कैसे यूज करना है। अब देखते ये हैं कि दोनों में से कौन सा पहले कंटेंट रैंक होगा। और आज आप लोगों को बैक लिंक्स भी बनाना सिखाऊंगा लाइव, थोड़े से बनाएंगे मगर आपको सिर्फ आइडिया लेना है कैसे मैं अपने कॉन्टेंट्स को रैंक करता हूँ और कैसे जी मैं इससे फायदा उठाता हूँ। यहाँ मैंने वेबसाइट का एक नाम लिखा, इसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है। इसकी मैं गया वेबसाइट पे, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ लिखा, अब मैं इसके निकालूंगा पहले इसको देखने के एंकर टेक्स्ट में क्या आ रहा है। तो सारे बातें नाम ही आएगा, अभी न्यू वेबसाइट है ये। ठीक है जी, बिल्कुल न्यू वेबसाइट। तो आपने करना क्या है, बस आपने इसको ये देख लिया। मैं आपसे भी ये बताने की कोशिश करता कि ये न्यू वेबसाइट है wheelalarm.com। तो इसके कंटेंट को हमने कैसे खुद से लिखा, इससे बेहतर और एक हमने स्पिन कर रहे हैं। अच्छा जी, स्पिन हो गया। दिस आर्टिकल हैज अ वर्ड एआई यूनिकनेस ऑफ 86%। ये देखें जी, हमने सुपर यूनिक को भी छोड़ देना और हमने सिर्फ ए स्पिन पे जाना है। ए स्पिन पे जाके आपने इसको फुल कॉपी करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने आर्टिकल 2 जो मैंने खाली छोड़े हुए हैं इस पर मैंने आर्टिकल 2 को ऐड कर दिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है जी, ये वाला जो कंटेंट था कंटेंट 2, ये आपका था किसी का कंटेंट, ये मैंने यहाँ स्पिन किया। ये आर्टिकल 1 जो है मैंने खुद लिखा, आर्टिकल 1 मैंने खुद लिखा है, ये भी कोई और कंटेंट है और आर्टिकल 2 जो है वो स्पिंड है। तो आप देखते हैं इनमें से पहले एक रैंक कौन सा करेगा। पहले थोड़ा सा अब हमने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है जी, अब हम लोग चले गए माउस पे और हमने अब कीवर्ड रिसर्च करना।
कंटेंट का नाम क्या था पहले का? एक कीवर्ड रिसर्च में गए, कीवर्ड रिसर्च करना भी आपको आज लाइव सिखाएंगे। अच्छा जी, मैं निकालता हूँ व्हील बैरल, इस पे जी काफ़ी रिसर्च है, इस पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद हमने ऐसे निकाले कीबोर्ड जिस पे डिफिकल्टी कम हो। इसकी डिफिकल्टी चेक कर लेते हैं, कार्ड कार्ड क्लिक कर दिया, ये ना मिले तो यार्ड कार्ड पे क्लिक कर दें, डिफिकल्टी बहुत है। सर्च करना आपने, व्हील बैरोस पे क्लिक कर दिया, इस पे भी डिफिकल्टी बहुत है, वॉल्यूम भी अच्छा है मगर डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा, डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा। शाम यहाँ खुद से कुछ लिखते हैं, अफोर्डेबल व्हील बैरल्स, देखते हैं जी। इसकी डिफिकल्टी 41 है, कम है, 50 से कम है, बट वॉल्यूम नहीं है। हम करते हैं बेस्ट व्हील बैरल्स, ये एक माइक्रो नीश है तो मैं उसके लिहाज से इस कंटेंट को रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट व्हील बैरल्स हमें एक अच्छा सा कंटेंट जी मिल चुका है। ठीक है जी, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ हमने कीवर्ड्स की एक अलग से फाइल बनाई। व्हील बैरो कीवर्ड्स, ये हमारा पहला कीवर्ड आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने व्हील बैरोज 2020 लिख दिया, बेस्ट व्हील बैरो 2020, 25 डिफिकल्टी है, इसको भी डाल देते हैं, बेशक आपका इस पर वॉल्यूम नहीं है। बेस्ट व्हील बैरोज 2020 कर दिया, 26 हाँ लेंगे ये भी, व्हील बैरोज और व्हील बैरो, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं टॉप व्हील बैरोस, स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे देती है, इसका वॉल्यूम 10 है और ये भी अच्छा कीबोर्ड है। अच्छा आप लोग ये मत देखें कि जी वॉल्यूम कम है तो अच्छा नहीं, अगर वॉल्यूम कम है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट पेज पर रैंकिंग होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली इसमें वॉल्यूम सर्चेज जो है आपकी इंक्रीज करती रहेंगी। तो वॉल्यूम इतना भी मैटर नहीं करता माइक्रो नीश में, मैक्रो में करता, माइक्रो में नहीं करता। अच्छा टू बाय व्हील बैरो टू बाय, अच्छा एक था कीवर्ड इलेक्ट्रिक व्हील बैरो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। इलेक्ट्रिक व्हील बैरो भी आपने इधर ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हील बैरोस, अच्छा वॉल्यूम था, अच्छा उस पर डिफिकल्टी भी कम थी, तो ये हमने इस्तेमाल करना है। उठाएंगे जी इलेक्ट्रिक व्हील बैरोस भी उठाएंगे। उसके बाद तो सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हील बैरो होती है? जी हाँ जी जरूर होती है। इसको यूं कर लें, 2020 करते हैं, आप देखते हैं जी कितना हमें इसमें मिलता है, डिफिकल्टी बहुत कम है, तो ये इजीली रैंक भी हो सकती है।
अच्छा अब हम लोग करेंगे यूं कि हम लोग ने अपने कीवर्ड्स तो फाइंड कर लिए, ठीक है, हमें कुछ अच्छे भी मिले कुछ भी मिले, थोड़ा बहुत एक दफ़ा और देख लेते हैं। ओल्ड व्हील बैरो, प्लास्टिक व्हील बैरो, व्हील बैरो व्हील, सब व्हील बैरो पार्ट्स पे भी बहुत ट्रैफिक है। व्हील बैरो फॉर सेल जरा लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या कीमत है। हैवी ड्यूटी व्हील बैरो भी उठा लेंगे, बहुत ट्रैफिक है, बस ट्रैफिक कम है मगर डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। अच्छा व्हील बैरो नियर मी, ये भी एक कीवर्ड उठा लेंगे। हैवी ड्यूटी व्हील बैरो 37 डिफिकल्टी है, ये भी ज़्यादा है एक न्यू वेबसाइट के लिए तो नहीं उठाएंगे। व्हील बैरो नियर मी भी बहुत ज़्यादा इस पे है डिफिकल्टी। व्हील बैरो फॉर सेल हमने ऊपर कीवर्ड देखा था, अब हम लोग देख लेते हैं व्हील बैरो ऑन सेल। डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम तो ठीक ही था बट डिफिकल्टी बहुत ज्यादा। व्हील बैरो सेल्स कॉपी किया कीवर्ड, इसको चेक कर लेते हैं। नहीं जी, अच्छा जी, अब हमने अपनी जो इस लिहाज से खुद रिसर्च करके ये कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब एक और काम करते हैं कि व्हील बैरो बेस्ट व्हील बैरोस, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। इसमें जो हमने पहला हमें मिला है कंटेंट वो मिला है thespruce.com 8 बेस्ट व्हील बैरो। अच्छा हमने अब इसको हमने अभी कंप्यूटर के जो है ना कीवर्ड्स हमने उठाना है स्टील करना है और उसको हमने इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, ठीक है जी। हम गए लिंक रिसर्च में, पहले हमने खुद रिसर्च की जितने कीवर्ड्स फाइंड करने थे हमें कुछ अच्छे भी मिले हैं कीवर्ड्स, और अब हम लोग खुद से अपने कंप्यूटर के निकालते हैं कीवर्ड्स जो रैंक हो। 25 लिंकिंग टू मेन है, 37 इंपॉर्टेंस है, ईजिली रैंक हो सकते हैं। 214 ऐसे कीवर्ड्स रैंक हुए हैं। अब आपने थोड़ा सा फिल्टर करना है इसके जो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। डिफिकल्टी आप रखें 30 और रैंकिंग जो मर्जी हो, ये आपके 60 कीवर्ड्स आ गए। इसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आप निकाल लें, ये निकाल लिया आपने। यहाँ एक लिखते हैं कंपटीटर, कंपटीटर्स कीवर्ड, ऊपर वाली चीज सर्च वो आपकी थी, नीचे जो है वो कंप्यूटर्स के लिहाज से टॉप रेटेड व्हील बैरो स्पेस डाल के दिया हुआ। अच्छा जी, जिन पे वॉल्यूम है बेस्ट व्हील बैरो, गुड, उठा लें जी इसको भी। उसके बाद बेस्ट व्हील बैरो उठा लें जी। उसके बाद आपका जो आता है कीवर्ड वो है गुड व्हील बैरो, उठा लें जी इसको भी। इट विल बी इजियर फॉर यू टू रैंक इट। बेस्ट व्हील बैरो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने उठाने हैं बेस्ट हैवी ड्यूटी व्हील बैरो, उठा लिया जी आपने ये भी। बेस्ट व्हील बैरो रिव्यूज, ये भी आपने उठा लिया। अच्छा उसके बाद आपने उठाना है टॉप रेटेड स्टील व्हील बैरो, उसके
उसके बाद जो आपने कीवर्ड उठाया वो है ड्यूल व्हील स्टील बैरो, ये आपने उठा लिया। उसके बाद आपने उठाया बेस्ट टू व्हील व्हील बैरो, सारे कीवर्ड्स को आपने लिखते रहने नीचे। उसके बाद आपके पास है जी जैक्सन व्हील बैरो डबल व्हील, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। हाई क्वालिटी मशीनरी व्हील बैरो नहीं, बेस्ट पावर्ड व्हील बैरो इट्स गुड। बेशक डिफिकल्टी इसकी 24 है, बेशक इसका वॉल्यूम कम है, बट इट्स ओके। उठाएं जी इसको। हाउ मेनी व्हील व्हील बैरोज इन अ यार्ड, नहीं व्हील बैरो और व्हील बैरो नहीं, बस ठीक है। हमें ये मिल गए कीवर्ड्स। एक और है बेस्ट ऑफ मशीन वी डॉट कॉम, इसके भी हम लोग कीवर्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है जी। जिनकी डिफिकल्टी है 30, ठीक है जी। इसके भी वही हैं कीवर्ड्स ऑलमोस्ट, व्हील बैरो रिव्यूज, अच्छा ये सारे वही कीवर्ड हैं, कोई इतना खास नहीं है। ट्रू वैल्यू हार्डवेयर व्हील बैरो नहीं, वॉल्यूम उसका 1 है। बहरहाल ये आपके कीवर्ड्स थे, आई थिंक ये बहुत हैं, ठीक है जी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कीवर्ड्स भी आपने निकाल लिए, अब आपने कंप्यूटर के वो भी निकाल लिया, आपने कंटेंट भी स्पिन कर लिया। अब आप आ जाएं जी वापस अपनी वेबसाइट पे आ जाएं। वेबसाइट पे आके फिर मैं आपको इसमें सेटिंग करना सिखाऊंगा। कमेंट्स जरा आए हुए हैं, जरा मैं इनको डिलीट करता हूँ। इन लोगों को भी बैक लिंक चाहिए, मगर मुझे इनको बैक लिंक नहीं देना क्योंकि ये स्पैमी लिंक्स हैं मोस्टली। सप्लाई कर दिया। अरे पोस्ट में आ गए आप लोग, पोस्ट में आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप आ जाए अपने आर्टिकल नंबर 1 जो मैंने अपना खुद लिखा। पहले इसको अरेंज करते हैं, ये ले। अच्छा और ठीक करना जी इसको, लव टू वर्क इन देयर लॉन, बट इट डज नॉट मीन ऑल ऑफ देम आर एक्जेक्टली द सेम। अच्छा लकीली सारे हम लोग ठीक कर रहे हैं अभी। इससे पहले हम लोग रियल कंटेंट पहले देख लें, उसमें चेंजेस क्या थी कि हमारे लिए इजी हो समझने के लिए। हमने पहले अच्छा जी पहले हम लोग पहले देख लें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू किया था। अच्छा इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको हम हेडिंग 2 कर लेते हैं, इसका साइज 14 कर देते हैं। 14 साइज करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और नीचे आते हैं और इसको हमने इधर व्यू इसको हम लोग कर लेते हैं सेंटर, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बोल्ड, से कर लेते हैं हम लोग बस ठीक से बोल्ड ही कर लेते हैं इसको। अच्छा इनको हम लोग जल्द रिप्लेस करेंगे। अच्छा जी ये जो हमने हाईलाइट किए हैं इनको हम लोग बहुत जल्द ठीक भी करेंगे,
मतलब यहाँ एक बटन होना चाहिए, एक मतलब इमेज होना चाहिए और उस पर हम लोग बटन का फंक्शन लगाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बाकी कंटेंट को ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी, बाकी कंटेंट को ठीक कर लेते हैं जी। अच्छा एक मिनट, ये किया ये किया बस, ठीक है ठीक है। अच्छा इसको अब हमें थोड़ा सा करना है, 14 पे करना है और इसको हेडिंग 2 बनानी है, इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। पहले आपने कंटेंट को तो लाजमी आपने ठीक करना है हर हालत में, उसके बाद आपके पास जो ये है इसको आपने सेंटर में कर देना है, ग्रीन कर देना, बोल्ड कर देना और इसको थोड़ा सा पास कर देना। इस पर हम लोग आएंगे और इसको हम लोग बहुत जल्द ठीक भी करेंगे अभी इसी वीडियो में, इससे पहले मैं पहले ये बाकी कंटेंट ठीक कर लूँ। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें। चार कंटेंट में हेडिंग जो है आपकी H1, H2, H3 होनी चाहिए लाजमी। इस पे कंटेंट पे अच्छा असर भी पड़ता है और बॉट भी इसको अच्छा समझता है इस प्रोसीजर को। अच्छा जी इन जनरल कंटेंट देख लूँ, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, The things you should be, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ डाल दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा सेंटर में कर दिया फॉर अ गुड लुक, ढाना पे कर दिया और इसको हमने कर दिया H4 की हेडिंग बना ली, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड किया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर करें, ठीक है जी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इनको हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ आपने वो करना है बोल्ड, साइज 12 ही काफी है। अच्छा उसके बाद मैं देख लूँ लोड अप वेट टायर्स, टायर्स से पहले एक था वेट लिमिट, उसके बाद कार को क्वांटिटी देख लूँ जी, कार को क्वांटिटी, लोड अप मटेरियल, वेट लिमिटेशंस, उसके बाद है जी टायर्स, इसको निकाल दें आप लोग, तो आपने बोल्ड कर दिया। हैंडल्स को आपने बोल्ड करना है, अनदर टिप आपके यहाँ दी हुई है। अच्छा अगर आप इन रश हैं तो आप इन चीजों को बोल्ड कर दें। इस पे भी हम लोग क्रेजी गैजेट पे हम लोग लगाएंगे लिंक, इसके बाद आपने करना है, पहले मैं जरा एक चीज देख लूं इसमें वो चीज ऐड है या नहीं। अच्छा ठीक है जी, इसमें वो चीज ऐड नहीं है। अ फ्यू मोस्ट ऑफ हाई क्वालिटी, इसको हम लोग हेडिंग बना लेंगे 5 और इसको कर लेंगे 18, ठीक है। और इसको कर लेंगे सेंटर फॉर गिविंग अ गुड लुक,
इसको यहाँ से निकाल देंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। यहाँ हमने टेबल ऑफ व्हील बैरो ऐड करना है, टेबल ऑफ व्हील बैरो। उससे पहले पहले हम लोग इसको ठीक कर लें। टेबल हम लोग बनाएंगे, पूरा प्रोसेस है जी इसका, और प्रोसेस में भी आपको मैं दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, चेकआउट लेटेस्ट प्राइसेस ऑफ, इसको सेंटर में कर लें, इसको यूं कर दें, उसको बोल्ड कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये वाला है, इसको आपने बोल्ड करना है, उस पर 14 पे करना है, इसको आप ऊपर कर देना है, और इसको भी ऊपर कर देना है, इसको भी ऊपर कर देना है, इसको आपने कर देना है सेंटर में, ग्रीन पे क्लिक करना और बोल्ड कर देना। ठीक है जी, इसी जगह हम लोग एक इमेज ऐड ज़रूर करेंगे जी, ताकि एक अच्छी लुक नज़र आए। उसके बाद हमने ऊपर किया इसको, ऊपर करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कौन सी है, व्हील बैरो। ये वाली व्हील बैरो, इसको इसकी हेडिंग नहीं आई, इधर हेडिंग ऐड करनी है। ये आर्टिकल वो था जो खुद लिखा गया, तो जो स्पिन किया वो भी ऐड करना सिखाऊंगा आपको ना। फिलहाल आप काइंडली ये वाली देख लें वीडियो, जिसमें मैंने कंटेंट खुद लिखा है, रीराइट किया खुद से। इट टुक मी अबाउट 1 आवर, ठीक है मैक्सिमम। और कैसे मैंने अभी मैं इसको इसमें पिक्चर्स ऐड करके दिखाऊंगा, सारा काम करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि कैसे मैं काम करता हूँ अपनी डेली रूटीन में कॉन्टेंट लिखने के लिए, क्या कुछ मुझे करना पड़ता है, और किस तरह मैं जब एक कंटेंट खुद राइट करता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ उस कंटेंट से जो मैंने वर्ड एआई, एक ह्यूमन रिटन कंटेंट है जो वर्ड एआई से मैं रीराइट करता हूँ, वो भी आपको मैं करना सिखा दिया है। अब मैं आपको इसमें ऐड करना सिखाऊंगा चीज़ें। यहाँ आपने टेबल ऐड करना है, यहाँ से आप कैटेगरीज पहले सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, मैं कर देता हूँ जी प्रोडक्ट्स, जो कि अमेज़न प्रोडक्ट्स हैं, और आप हैं फिलहाल इसमें कि कैटेगरी बनेगी। टूल्स एंड एक्सेसरीज में ये नहीं आएगा, आना चाहिए मगर हम इसको नहीं रखेंगे। बहरहाल यूं हमने कर दिया उसको, हमने कर दिया सेव ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट ये हो गया है। अब हम लोग एक अच्छा सा जो हमने इसमें से कीवर्ड अच्छे निकाले थे, हम लोग पहले वो लगा लेंगे कि जी इसमें से कौन सा हमें कीवर्ड यूज करना चाहिए। यहाँ जो हमने ऐड किया था इसको बंद कर देंगे, इसको यहाँ जो हमने ऐड किया था इसका कीवर्ड्स, उनमें से आपने अब कीवर्ड्स अब ऐड करने। व्हील बैरो रिव्यूज देख लेते हैं, हमें अब टाइटल में ऐड करना है, तो टाइटल हमारा अच्छा होना चाहिए। 50 वॉल्यूम था और डिफिकल्टी क्या थी, 29। अच्छा, नेक्स्ट वाली टॉप रेटेड व्हील बैरो, देखते हैं जिस पे वॉल्यूम क्या है, कोई 50 और 28 इस पे है जो आपकी डिफिकल्टी। बेस्ट व्हील बैरो उठा लेते हैं, देख लेते हैं ये वर्टेबल है फॉर मेकिंग अ टाइटल और नॉट। बेस्ट व्हील बैरो बेस्ट हो गया जी, उसका पहले लिख लें 1.7K तक ही जाएगा और 28 डिफिकल्टी है इसकी, वहीं उठा सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी बेस्ट व्हील बैरो।
सेम कीवर्ड है मगर व्हील पैरो में स्पेस आई हुई। अब टाइटल आपने अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आप उसको यूज कर सकें अपने लिए, अपने रैंक करने के लिए। इस पे डिफिकल्टी कम है, 10 और 30 है, 10 30 है, 10 27 है। अच्छा, बेस्ट व्हील बैरो रिव्यूज। व्हील बैरो रिव्यूज पे भी आपके पास 50 वॉल्यूम है और 27 आपके पास डिफिकल्टी है। बेस्ट टॉप रेटेड, बेस्ट टू व्हील। अच्छा, ये बाकी कीवर्ड्स हैं। हम लोग रख लेते हैं क्या हेडिंग रखें। अच्छा, अब मैंने ये 2021 क्यों रखा है, ये एक टाइमर ऑयल टेक्निक है जो मेरी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है कि टाइमर ऑयल टेक्निक से आपको क्या फायदा होगा। तो हम लोग तो यहाँ बेस्ट व्हील बैरो ही कॉपी करेंगे और इधर ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, बाद में जब ये एंकर टेक्स्ट की फॉर्म में, जब इसको टॉप पेजेस की फॉर्म में जब इसको रैंक करना शुरू करेगा तो ये बेस्ट व्हील बैरो ही उठाएगा। ऊपर आपका टाइटल जो मर्जी हो, मैंने रखा है चेक आउट दिस टॉप 10 बेस्ट व्हील बैरो टू बाय 2021। और मैंने अपने जो फोकस है मैंने वो भी यही रखा है, इसकी वॉल्यूम भी अच्छा है और ये आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ रैंक मैथ, रैंक मैथ क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे इससे फायदा हो रहा है, तो इसी को आपने उठाना है। ठीक है जी, फर्स्ट पैरा में आपका कीवर्ड होना चाहिए, मेरा भी है, कॉपी किया, देखते हैं इसको। यहाँ से मैंने ये हटा दिया और मैंने इधर ऐड कर दिया, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है जी, सो चेक आउट दिस टॉप 10 बेस्ट व्हील बैरो टू बाय इन 2021। क्लोज कर दिया, आप चले गए इसमें। अब आपका ये सारा कुछ हो गया, 63 से 65 तक इसकी हमने SEO ठीक कर दिया। अब हमने इसको यूज करना है कीवर्ड को मैक्सिमम अपने कंटेंट में, तो वो तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत है बीच में एडिट। इससे पहले कि हम लोग ये करें, हमने एक काम जो लाजमी करना है वो है इसको सेव ड्रॉप में ऐड करना है और टेबल ऐड करना है। टेबल ऐड करने के लिए हम जाएंगे, हमने जो एक प्लगइन किया था टेबल प्रेस का, जिन लोगों ने मेरा टेबल प्रेस की वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा कि कैसे आपने टेबल्स ऐड करने, आप वहां से देख लें। ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करना है, आपने यहाँ रखा बेस्ट व्हील बैरो और यहाँ आपने कितने 11 रोज हो
और तीन कॉलम, एक कॉलम आपका होगा नेम नेम का, एक होगा इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और एक होगा इमेज सॉरी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और यार रोज इसलिए कि एक रो में आपका ये हेडिंग वेडिंग होगी और बाकी 10 में आपकी प्रोडक्ट्स होंगे। तो यार रोज और तीन कॉलम्स तैयार करते हैं जी। ये आपका तैयार हो गया। हम कह लेते हैं इधर जी इमेज इमेज नेम प्राइस। अच्छा मैं टेबल प्रेस में दोबारा जाऊंगा, मैंने पहले टेबल बनाया हुआ तो मैं वही कोड कॉपी कर लूंगा। कोड आपको चाहिए तो कोड वाली वीडियो आप देखें टेबल प्रेस की, उसमें सारे कोड वोड दिए हुए मैंने डिस्क्रिप्शन में, कैसे यूज करना है वो सारा कुछ दिया हुआ, तो काइंडली वहां से जाके देखें। यहाँ आपने किसी ने कमेंट नहीं करना कि जी हमें बताएं कि कैसे आपने ये टेबल का कोड कहाँ से लिए, तो ये वो टेबल की पूरी एक वीडियो बनी हुई है अलग से मेरे चैनल पे, काइंडली वो जाके देखें। सारा ये ऐड किया, बटन तो सारे सेम ही होंगे ना, तो ये ऐड कर दिए, ये और ये ऐड हो गए। इसको आपने कॉपी किया, इसको आपने पेस्ट किया, 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 हो गया जी पेस्ट। अब जी आपने जाना है इसी वापस, इसी में आपने टेबल यहाँ बना हुआ था, इसके आपने नेम कॉपी करना, कॉपी किया। आप देखते हैं ये नाम है, कोल्ड भी कर दिया उसको। नेक्स्ट में आ जाएं, कॉपी किया, पेस्ट किया, नीचे आ जाएं, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इसने थोड़े ध्यान दिए हैं, और बाकी हम लोग खुद ही ऐड कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनी वन ऑफ अस के वो चीज प्रोडक्ट्स का। हमने बस 10 पूरी करनी है, हमें टॉप 10 लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह यही टॉप 10 हमें 3-4 कोई फायदा देंगे। ठीक है जी, ये यही थी। अच्छा हमने और भी ऐड करना थे ना, तो और ऐड करने के लिए हम लोग पहले प्रीव्यू कर लें टेबल का, टेबल बनता कैसे, प्रीव्यू कर लें इसको, सेव भी कर लें, प्रीव्यू कर लें। एक मिनट जी, हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये हमारा पिछला टेबल था, ये उसके लिहाज से इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने पहले ये सेव नहीं किया, ये सेव करना है, और ये टेबल जो हमने बनाया है ये हमारा इस तरह बनेगा। ये देखें यहाँ व्हील पैरों के नाम आ गए, बस आपने यहाँ से पिक्चर चेंज करनी हो, यहाँ चेक प्रेस की जगह लिंक्स ऐड करने, जो कि हम अभी इसी वीडियो में बनाएंगे सारा कुछ। इससे पहले कि ये हो, हम पहले चले जाएं अपने कंटेंट में, ऑल पोस्ट में चले गए, ऑल पोस्ट में जाके हम लोग एडिट में गए, एडिट में जाकर हमने इसमें ऐड करनी है पिक्चर वगैरह। मैंने अपना अमेज़न एफिलिएट अकाउंट खोल लिया, खोलने के बाद मैं चला गया स्विच के अपना अकाउंट और मैंने खोला और मैंने इसको लिंक कर दिया। और अब हम लोग पिक्चर्स यहाँ से लेंगे, पिक्चर्स लेने के लिए हम चले गए
इलेक्ट्रिक व्हील बैरो से। आपने कस्टमर को फुल डिसीजन देना कि जी आप कैसे प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना इलेक्ट्रिक व्हील बैरो पहले ऐड करनी है। आप सपोज इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने फुल पेज एक लिंक ऐसा ऐड करना जिसमें आपकी बेशुमार, अब आप एक एक लिंक को ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। व्हील बैरल्स पे आपने क्लिक किया, आपने इसका लिंक किया, कॉपी किया और आपने इसको इसमें ऐड अप कर दिया। इसमें आपने इंसर्ट कर दिया लिंक को और आपने इसको पेस्ट कर दिया, आपने कॉपी किया और आपने इसको कर दिया बल्कि आपने इसको कर दिया फिलहाल मैंने इसको रेड कर दिया और इसका 14 कर दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने हाइब्रिड व्हील बैरोस कॉपी करना, हाइब्रिड व्हील बैरोस फुल पेज आपने इसलिए एक्सेस दिया कि बंदा अगर पहले लिंक पे जाए तो वो अपनी मर्जी से कोई भी व्हील बैरो सेलेक्ट कर ले जो भी उसका दिल करे। तो आप इस तरह एक तरह से कस्टमर को जो है ना वो देते हैं लेवरेज के वो अपनी मर्जी का व्हील बैरो। नेक्स्ट हमारा था हेडिंग हाइब्रिड व्हील बैरो। हाइब्रिड व्हील बैरो के लिए मैंने इस पर क्लिक किया और नॉन ट्रैक्टर अटैचमेंट ऑन ऑर्डर, सिंपली मैं गया व्हील बैरोस पे ही क्लिक किया मैंने और मैंने का जो लिंक ऐड करना है क्योंकि इसी में आपके लिए ये हाइब्रिड वाले भी हैं। मैंने व्हील बैरोस पे किया, कॉपी किया, पैक किया, लिंक खोला, ऐड किया एंड दैट्स इट। आपने इस फुल कॉपी किया ऐड किया, 14 रखा ताकि लोगों को नजर आए कि आपने क्या चीज ऐड किया। देन वी हैव हैवी ड्यूटी व्हील बैरोस, हैवी ड्यूटी व्हील बैरो में हमने क्लिक किया तो हमें मिला ये। इसको भी हमने जिनके नाम में हैवी ड्यूटी का यूज है वर्ड हम उसको भी यूज करेंगे। क्लिक किया, हमने इसको खोला और सर्विस कार्ड्स में हम लोग गए। बेसिकली जहां तक मुझे समझ आया कि आप लोग व्हील बैरो ही लिखें। व्हील बैरो का ही पेज दें क्योंकि रैंडम पेज देने से आपका एटलीस्ट जो खोलेगा आपका पेज उसमें आपको रिप्लेसमेंट आपको निकालने में आसानी होगी। इसमें एक ऑप्शन था आउटडोर कार्ड्स, इसमें आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और अपने इसमें ऐड कर। ठीक है जी, अब और लिंक्स फाइंड करने हैं कि और किस किस में लिंक ऐड था।
हाइब्रिड में हो गया, हिल यूज वाले में हो गया। अच्छा, क्रेजी गैजेट व्हील बैरो। अच्छा जी, क्रेजी गैजेट व्हील बैरो बेस्ट ओवरऑल जो हमें नजर आ रहा है इसमें वो है क्रेजी गैजेट व्हील बैरो। अच्छा, क्रेजी गैजेट व्हील बैरो हमें नहीं मिला। कॉपी हाइपरलिंक, हमने हाइपरलिंक ज़्यादा देखें थी, ये कौन सा है क्रेजी गैजेट व्हील बैरो। अगर हम लोग इसको जोड़ के लिखें तो शायद हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए अपने अमेजोन अफिलिएट पे। नहीं मिला, क्रेजी गैजेट पे क्लिक करते हैं। सो ये भी नहीं मिला, हम इसको फुल कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिला। ओके फाइन, हम लोग इसको निकाल के यूज कर लेते हैं। नहीं, अगर हमें ये नहीं मिल रही ना तो हम इसकी जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। हम कर लेते हैं व्हील बैरो, सर्च करते हैं। व्हील बैरोस पे गए आप, व्हील बैरोस पे जाने के बाद आपको पसंद क्या आया? मैंने इस पे क्लिक किया ग्रीन वाले पे और मैंने क्लिक किया इलेक्ट्रिक व्हील बैरो पे क्लिक किया। दोनों पे क्लिक करने के बाद मैंने एक उठाया लिंक और मैंने ऐड कर दिया इसपे। सेकंड मैंने उठाया इसका लिंक जी, इस पे आपका जो है ना वो एक स्टॉक में था पड़ा हुआ था, मैं वो उठाऊंगा जो मुझे जरा फायदा दे। कॉपी किया, मैं आ गया इधर, देख ले पहले क्या क्या ये भी अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है या नहीं है पर ये चेक कर लें हम लोग। विडो फोर व्हील व्हील बैरो कार्ट यूएस में चेक करना है जी, तो हम लोग यही लिंक उठाएंगे। जो चीज अवेलेबल नहीं है आप उसका लिंक रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड पीपल जस्ट वांट अ व्हील बैरो, राइट। तो ये आपके ऐड हो गए। अब आपने करना क्या, कंटेंट देख रहे, देख रहे ये वही टेबल है, ठीक है। तो जब तक आपको ये चीजें नहीं मिलती क्रेजी गैजेट और सब चीजें, आप इनके लिंक्स ऐड कर सकते हैं। ऐड अप करने के लिए आपने इसको कॉपी किया, उनके पहला लिंक तो यही था क्रेजी गैजेट वाला, आपने इसकी जगह चेंज करनी है और ऐड अप करना है एक चेक प्राइस का बटन जो मेरे पास अवेलेबल है। ऐड अप कर दिया, इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और आपने इसमें ऐड कर देना है अपना लिंक, ठीक है जी। ऐड अप हो गया,
सेम केस आपने करना है इधर, यहाँ आपने नीचे करना है, आपने इसको ऐड करना है मीडिया, आपने चेक प्राइस करना है, आपने इस बटन को सेंटर में करना है, थोड़ा सा छोटा करना है और फिर नीचे आ जाए। इसकी जगह भी आपने यूं करना है, आपने एक ऐड करना है और आपने चेक प्राइस का बटन ऐड कर देना है, ठीक है जी। फिर आप नीचे आ जाए, नीचे आकर फिर आपने इसकी जगह एक ऐड करना है, चेक प्राइस करना है और आपने इधर ऐड कर देना, ठीक है जी। और इसको सेंटर अलाइन करना है। वॉशल का हमें मिला था लिंक, हमें ये फाइंड करना है वॉशल इसका कुछ नाम है जी इसका। ओके, हम लोग ये फाइंड भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। वॉशल फाइंड किया, हमें कुछ भी नहीं मिला, वॉशल तो नहीं मिला। हमें मिल गया नहीं मिला हमें, हम इसको मूव करते हैं, इसको यूं कर लेते हैं। हाँ मिला वॉशर का, अभी दर हमें नहीं मिला, ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं मिला कोई बात नहीं। हमने यूं किया, हमने उठा लिया कोई भी दर, हमने उठाया ये वाला भी दर, ठीक है, कोई इसमें इतनी इशू की बात नहीं है। आपकी सिर्फ लिंक काम करना चाहिए और ये कोई ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं कि आप कहें जी कि जी एक नाम जगह किसी और का लिंक आपने ऐड कर दिया, बिकॉज ये इतना भी वो नहीं है ऐसा कोई टॉपिक की खूबसूरती के यूनिकनेस चाहिए जी, ठीक है। एज लॉन्ग एज उसमें रिक्वायरमेंट आपके वो दिए हुए हैं उसके लिहाज से कि इसमें क्या क्या आपके कितने व्हील्स हैं, कितना क्या है, तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। ये बच्चों के लिए तो मैं ये नहीं उठाऊंगा, मैं ट्यूबल व्हील बैर उठा लेता हूँ इसकी जगह, कॉपी कर करता हूँ इसको और मैं इस जगह पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। इसको आपने अपडेट कर दिया, आपने एक और व्हील पैरो उठाया, आपने एक और व्हील पैरो यहाँ से उठाया, सपोज मैं ये उठा लेता हूँ। अच्छा, इट्स इन स्टॉक अवेलेबल, देखिए ना आपने ये कि वो चीज जो स्टॉक में ज्यादा हो उसको आपने, ताकि वो खत्म होने में भी टाइम है, आपने उसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब आपने करना क्या, आपने करना ये, आपने सब चीजें ऐड कर दी, आपने इनकी पिक्चर्स ऐड करनी है। पहला था हमारा क्रेजी गैजेट व्हील बैरो विद न्यूमेटिक टायर, फाइन, हमें ये मिला, कौन हमें ये मिल गया है एक तरह से व्हील बैरो। हम इसके बटन पे गए, हमने जाके देखा इसका लिंक, ये दिया हुआ इसका लिंक, पहले आपने खोलना है, देखिए वर्किंग लिंक है या नहीं, लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है, आपने इसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है जी वन पे, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने इसे कॉपी करना, ठीक है जी, आपने इस पे क्लिक किया, इसको आपने सेव एज किया, टू लगाया, डॉट जेपीजी लगा दिया, सेव हो गया आपका। अब आप आए इधर इस वाले पे, कॉपी किया, पिक्चर्स आप यहाँ से उठा के चेंजिंग कर लें तो लोगो साथ ऐड कर लें, लोगो ऐड कर लें, बट ये आपका स्पैम कंसीडर नहीं होगा, ठीक है जी। अभी तो हमने इसके बैकलिंक
बनाने हैं, तो आप लोग अगर थक गए हैं तो थोड़ा बहुत पानी शानी पी लें, क्योंकि मैं तो इसको आज आपको लाइव कंटेंट से लेकर पिक्चर पिक्चर सब ऐड करने तक सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ये पिक्चर इसकी ऐड है। अच्छा आप ये देखें ना, फोर्थ वन हमारे पास भी सेम पिक्चर वाला था, हमें उसको एक और पिक्चर उठा लेंगे। हमने इसकी उठा ली, ये पिक्चर उठा ली, बैक कर दिया। अब हमने इधर ऐड करना है चीजों, ऐड कैसे करना है? आपने यूं किया, नहीं आपने यूं किया, ऐड किया मीडिया, पहले आपने अपलोड करनी इन सारी चीज़ों को, इन सबको आपने ऐड कर लेना। तो मैं पहले ज़रा रीनेम कर दूं, रीनेम किया मैंने इसको, फोर्थ कर दिया इसको, मैंने यूं किया इन सबको, मैंने ओपन किया इन पिक्चर्स, इन सब पिक्चर्स का मैंने जो नाम रखा है वो मैंने रखा है बेस्ट बिल्डर। क्यों रखा है इसकी वजह मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगा। बेस्ट बिल्डर, बेस्ट बिल्डर, बेस्ट बिल्डर, ये 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 पहला था आपका ये वाला। इंसर्ट कर दें इसको, इंसर्ट करने के बाद आपने इसको सेंटर अलाइन करना है और आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देना, ठीक है जी। आ जाए आप नीचे इसमें, इसमें आपने ये सेकंड ऐड करना है, इसको भी आपने ऐड किया, साइज थोड़ा छोटा कर दें और इसको सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है जी। अब आपका कंटेंट बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, लेकिन कंटेंट इज द किंग इन एसईओ। अगर आप कंटेंट अच्छा करेंगे तो वेल एंड गुड बनना नहीं, और ये ह्यूमन रिटन कंटेंट है, ये स्पिन वाला नहीं है। स्पिन वाला जो है वो हमने बना के रख लिए, इसी वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाया और आपको मैंने सामान रख दिया, वो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ऐड करूंगा। आप देखना ये है कि दोनों में से पहले रैंक कौन सा होता है, ठीक है जी। ये आपके आगे, बट टू हैव अ क्विक आउटपुट हम लोग सबसे पहले इसको सेव ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम थोड़ा इसको प्रीव्यू कर लें, आपको दिखा देंगे जी हमारे पास फाइनल क्या बना है। ये देखें इस तरह आपकी लिंक है, ये देखें कितना प्यारा आपका ये कंटेंट बन गया। अभी हम नीचे ये भी ऐड करना है, इंटरनल लिंक। You might also like to read to buy, to read पे क्लिक करते हैं आप read लिखे, इसको आपने बोल्ड किया, इसको आपने 14 डिजिट किया, यहाँ आप कंटेंट का जो भी आपका नाम है वो आएगा और आप निकलते हैं। फिलहाल ये बात की बात है, इसको आप पहले सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप गए वापस टेबल्स में, अब आपने टेबल्स ऐड करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग 10 अपने ऐड करेंगे व्हील बैरोज, यहाँ तो हमने 4 पिक्चर्स ऐड किया, 4 के नाम ऐड किए ऑल दैट, बट हम लोगों ने ऐड 10 ही करने हैं, तो हम लोग टेबल में ऐड कर देंगे बाकी 10, ठीक है जी। टेबल में ऐड कर देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है, टेबल में ऐड करने के लिए हम चले गए ऑल टेबल पर चले गए। ऑल टेबल्स में जाकर जी हमने खोल दिया एडिट में बेस्ट व्हील बैरो। बेस्ट व्हील बैरो हमारा थर्ड है और इसमें हमने ऐड करनी है चीजें। क्या करना जी? ऐड करनी है चीजें, हाँ जी। ऐड करने के लिए हम चले गए अपने पोस्ट में, पोस्ट में जाके हमने इसको किया एडिट। अब मैं चीजें बारी बारी ऐड करना शुरू हो जाऊंगा। कॉपी किया इसको, मगर इससे पहले मैं क्या करना था, मैंने यस इमेज
इमेज इज द मेन थिंग, इमेज इज द मेन थिंग जो आपने ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए आपने इसको क्लिक कर देना है प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है फर्स्ट इमेज को, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस में जाके आप स्लोली, जिनको ये वीडियो नहीं पता ये वाली कैसे आपने टेबल प्रेस को यूज करना है, कैसे कोड को हासिल करना है, वो वीडियो मेरी आप काइंडली देख लें, आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो भी इस कार्ड का नाम है वो आपने क्रेजी गैजेट व्हाटएवर द हेल इज आपने इसमें इसको ऐड कर दें। ऐड अप हो गया। सेम लिंक आपने यहां से ये कॉपी करना है और आपने कहा ऐड करना है सोर्स में, ये ऐड अप हो गया। ठीक है जी, ऐड अप होने के बाद एक दफा मैं जरा सेव कर लूं, बल्कि एक दफा मैं इसमें लिंक भी ऐड करके देख लूं। लिंक एड्रेस, लिंक ऐड करना है तो आपने करना है जी इसके बीच में। ठीक है जी, सेव किया, प्रीव्यू कर ले। ये देखें जी, आपको यहाँ व्हील बैरो आ गया विद इमेज एंड यू हैव द प्राइस। इसको आपने क्लिक किया, आपने थोड़ा चेक कर लेंगे आपके ऐड टू कार्ट में जाएगा फ्रॉम थ्रू आपकी वेबसाइट टू अमेज़न। बंद कर दें इसको। अब हमने बाकी भी ऐड करने से तरीके से नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस में आपने इधर ऐड करना है, कॉपी करना है इमेज का एड्रेस, ये हो गया। नीचे भी इमेज सोर्स में आपने ऐड करना है इसको। ऐड अप हो गया। ऐड अप होने के बाद आपने जी जो उसका नाम कॉपी करना है, आपने ऑल टेक्स्ट में ऐड कर देना है जी, ये ऐड अप हो गया। नीचे वाले पे आपने नाम पहले कॉपी कर लें, नाम पहले ऐड कर देते हैं इस दफा। हाँ, मैं इधर नाम ऐड कर दिया इस इनवर्टेड कॉमास के बीच में। जिनको नहीं पता ये वीडियो की टेबल प्रेस का कोड आपने कैसे उठाना है, कैसे आपने ये कस्टम कोड उठाना है, आप काइंडली मेरी वो वीडियो देख लें, आपको सब समझ आ जाए। ठीक है जी, अब आपने जी इसमें ऐड करना है ऐड अप कर दिया। ये बड़ा एक माइन्यूट और थका देने वाला काम है, मगर आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठ के अपना ये शुरू करें अपना एफिलिएट मार्केटिंग। यकीन करें इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, तो शुरू लाजमी करें। कॉपी लिंक एड्रेस, इससे मैंने लिंक एड्रेस ऐड नहीं किया था, ऐड अप हो गया। इसमें लिंक ऐड करना था मैंने 2-3-6, इसमें ऐड अप करना है लिंक। अच्छा, इसमें ऐड अप करना है लिंक, और ये लिंक आपका ऐड अप हो गया। ठीक है जी, नीचे आ जाए, फोर्थ वन आपका ये है। ठीक है जी, फोर्थ वन आपका ये है। सेम केस, आपने इसमें उठा के इसमें ऑल टेक्स्ट में इसका नाम ऐड कर देना, पेस्ट किया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो इन रिटर्न भाई, एक सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगती है आप मुझे बताएं।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे इससे नॉलेज हासिल करेंगे, वो अपना पैसिव इनकम सोर्स घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। महीने का 10 से 12 या 20 हज़ार रुपये भी अगर आप लोग कमा लें इसके ज़रिए तो आई थिंक बुरा नहीं है। और इंशाल्लाह आप लोग अगर शुरू करें तो आप लोगों को इससे भी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, शायद आप लोग मेरे से भी अच्छा काम कर लें। बट एक चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंसी पैदा करनी है अपने काम में, आपने काम को छोड़ना नहीं है। काम को छोड़ दिया तो फिर आपको बहुत मसले पेश होंगे। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब हमें सिर्फ यही ऐड किए थे, हमें तो 10 ऐड करने हैं, टेबल में 10 ऐड करने हैं। दोबारा आप जाएंगे अमेज़न पे, अमेज़न पे दोबारा जाकर आपने करना क्या है, आपने करना ये है, आपने व्हील बैरो यहाँ लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई बल्कि ठीक ही आया। अच्छा व्हील बैरो आ गए। अब आपने करना क्या, आपने एक ये वाला उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक आपने ये उठा लिया, एक आपने ये उठा लिया। ठीक है जी, ये सब ऐड टू कार्ट ही हैं आपके, एक तरह से आप समझ लें। मैंने इनका गुरिल्ला का 800 रीजनल उठा लिया। कॉपी किया, नाम आपका छोटा ही हो तो ठीक है। अच्छा ये आपने इसका क्या करना है, आपने इसको आपने सेव एज करना, इसको आपने लिख देना है 5.jpg, सेव कर लिया आपने। ठीक है 5 को आपने सेव कर लिया, नाम भी ऐड कर दिया। अब आपने लिंक ऐड करना है, पिक्चर्स हम लोग इसकी बाद में ऐड कर देंगे, पहले हम इसका अमेज़न का जो है ना वो मेन लिंक ऐड कर देंगे। ये लिंक ऐड हो गया। अब आप नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने इस वाले पे जाना, आपने ये जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक आपने नहीं उठाना, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, इसके तो सेलिंग ऑप्शन है, आपने ये नहीं करना। आपने व्हील बैरल्स पे जाना चाहना, आपने वो उठाना है जिनके आपको लिंक्स मिल जाए, इसका लिंक है। अच्छा ये आइटम आएगा आपका अगस्त में, ये इन स्टॉक है, मैराथन टिकट। चलिए पहले हम वैसे ले चुके हैं मगर इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते। लेने के बाद हमने इसको हमने कर दिया कॉपी, करने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया इसके बीच में, ऐड अप हो गया। इसका नाम हमने वैसे पहले भी सेव किया, वो सेव एज किया, 6 कर दिया .jpg, सेव कर दिया। इट्स ओके, इट्स द सेम प्रोडक्ट, बट एज लॉन्ग एज वो आपको देता रहेगा इसमें फायदा, कोई इतना इशू नहीं है। एक इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये भी कार्ड्स में आता है तो इसको भी आप उठा सकते हैं। इसको आपने सेव एज किया, आपने इसको किया 7.jpg एंड जस्ट सेव इट। मैक्स स्पोर्ट्स आउटडोर यूटिलिटी पैक, इसको आपने कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट द लिंक हियर।
सॉरी पेस्ट द नेम हियर, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको कॉपी किया लिंक, कॉपी करने के बाद आपने इसको ऐड करना है अपने अफिलिएट लिंक बटन में, ऐड करना है बटन में, आपने लिंक ऐड कर दिया। अब पिक्चर्स तो हम लोग ऐड कर ही रहे हैं साथ साथ, तो वो मैं बाद में ऐड जिंक सारी ऐड कर दूंगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो नेक्स्ट इज जो हमने उठाया वो है Only one left in stock. Question है ये उठाया गया या ना उठाया गया। गोरिल्ला उठा लेते हैं, गोरिल्ला कार्ड्स इसको उठा लिया आपने, उठाने के बाद आपने इसको ऐड किया इधर, ऐड करने के बाद आपने इसको कॉपी किया, इसको सेव एज किया, आपने लिखा इधर 8.jpg 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां आपका सेव हो गया, इसका आपने लिंक कॉपी कर लिया और आपने लिंक ऐड कर दिया। पिक्चर्स हम लोग ऐड लास्ट में कर देंगे, आपने ऐड कर देना। ये देखिए जी कंप्लीट कंटेंट बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद कंटेंट रीराइट किया अपने हाथों से, तो दूसरे वाला स्पिन किया, मगर पहले वाला आपको जो है ये मैंने खुद लिखा है। तो आपको मैं कंटेंट अरेंज करना सिखा रहा हूँ, तो काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली जरूर करें, ठीक है जी। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, तो सब्सक्राइब तो भाई लाजमी बनता है मेरे लिए, ठीक है। कुछ सवालात हो तो ज़रूर पूछें, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। और अगर आप चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, तो मेरा और भी फायदा होगा। तो काइंडली जी जरूर आप लोग मेरी मदद करें इसमें, ठीक है। जब तक ये आपका मैंने ऐड कर दिया, इसको थोड़ा मैं सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, इस लास्ट वाले में मैंने ऐड नहीं किया था। अच्छा, इसको मैंने यूं किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने 10.jpg। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके उसके लिए हो कार्ड जो आप यूज करते हैं फॉर क्या कहते हैं उसको गार्डन में या कहीं, और आप शॉपिंग कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेजर हम लोगों का व्हील बैरो था, तो व्हील बैरो वाले में कार्ड्स भी आ जाती हैं, तो हमने बिल्कुल रेंडम लेके चले इसको, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ इसका नाम कॉपी किया और आप इधर पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। आपने इसको कर दिया सेव और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर लें, एक दफा देख लें कि कैसा आपका, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सारी चीजें ऐड अप हो गई, ठीक है जी। अब हमने ये जो आखिरी वाली पिक्चर्स हैं इनको चेंज करना सिर्फ, एंड दैट्स इट। फिर आपने टेबल का, अच्छा ये टेबल का जो हमें प्रीव्यू दिखा रहा है ना, ये बड़ा अजीब सा, मगर जब हम लोग कंटेंट में ऐड करेंगे तो ये बहुत प्यारा हो देगा। अभी ये स्ट्रेच फॉर्म में, मगर ये वहां जाकर स्ट्रेच फॉर्म में नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग मीडिया में गए, मीडिया में जाने के बाद हमने ऐड करना है, ऐड किसे करना है, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें ये हमने ऐड कर, आपने इस तरह पिक्चर्स ऐड कर लेनी है, और कर लेने के बाद ऐड करने के बाद आपने सिंपली जो आपका कौन से कंटेंट से आपने शुरू करना था, आपने ऐड करने से पहले आपने ऐड करना था, एक मिनट जी मैं बताता हूँ आपको,
टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स, यहाँ से आपने शुरू करना, क्योंकि इधर तो आपका ऐड हो चुका। यहाँ आपने ऐड किया हुआ, अब आपने शुरू करना है इधर से, ठीक है जी। एक मिनट जी, मैं बताता हूँ आपको, शुरू करना है आपने। आपने शुरू करना है जी पांच में से गोरिल्ला कार्ड्स, आपने जिस में ऐड करना है जी गोरिल्ला कार्ड्स में। ऐड हो गया, इस नेम को कॉपी करना है और ऐड कर देना है आपने ऑल्ट। अब ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें आपने बिल्कुल आंखें खोल के सारा काम करना है। क्या करना है जी, आंखें खोल के सारा काम करना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो इन चीजों को चेंज करना। एक ही दफा हम लोग करेंगे, और ये सब चीजें मैं लाइव कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई काइंडली सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है जी। इसमें आपने इसको ऐड अप कर दिया, अभी मैं इस टेबल को आपको ऐड करना सिखाऊंगा मेन कंटेंट में। यहाँ पहले आप सारी सेटिंग करते हैं, फिर आप इसको वहां ऐड अप करते हैं। कॉपी किया और इसको ऑल टेक्स्ट में आपने ऐड कर दिया, ऑल टेक्स्ट जो आपका होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। ये हो गया, आप थोड़ा सा नीचे खोलें जी, इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं। अच्छा, सेवन आपका है जी, सेवन क्या है आपका मैक्स स्पोर्ट क्लास, तो फोल्डिंग आउट। अच्छा जी, आपका ये है, इसको आपने किया पेस्ट, कॉपी इधर भी आपने पेस्ट किया आपने, और पेस्ट करने के बाद कॉपी किया और ऑल टेक्स्ट में आपने सारा का सारा ऐड कर देना। आपने इसको पेस्ट कर दिया, इसको आपने इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इधर से इसका ये उठाया नाम और ऑल टेक्स्ट में पेस्ट कर दिया। बाकी सेटिंग हमारी हो चुकी है, बस हमें सिर्फ ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है जी। आप आ जाएं पीछे, इधर आ जाएं, कॉपी इमेज एड्रेस किया आपने और आपने इसको ऐड कर देना आपने जेपीजी में सोर्स में। इधर आपने इसको ऐड कर दिया, करने के बाद आपने ये उठाया ऑल टेक्स्ट में आपने इसको ऐड अप कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर करें। बार बार मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो काइंडली हेल्प जरूर किया करें हर बंदे को, मतलब हर बंदे की हेल्प जरूर करना सीखें। देखें ये मैं आपको बना रहा हूँ, अभी दोपहर का वक्त है और मैं गर्मी में बैठ के ये सारा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये, ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो, ठीक है जी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोशिश करें कि इससे फायदा लें, ठीक है जी। ये मेरा सारा हो गया, मैं तो सेव करता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ एक दफा। अब जी मेन चीज है कि हम लोग इसको ऐड अप कैसे करना है, ये देखें।
सारे व्हील बैरोस ऐड अप हो गए हैं, सारे पिक्चर्स ऐड अप हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको हमें ऐड करना है अपने मेन पोस्ट में। पोस्ट में गए, ऑल पोस्ट में, ऑल पोस्ट में जाने के बाद अपने जो मेन है चेकआउट दिस टॉप 10 बेस्ट व्हील बैरो टू बाय इन 2021, इसमें आपने जहाँ इसका टेबल ऑफ व्हील बैरोस ये लिखा हुआ था, हमने अपनी याद दिहाने के लिए लिखा हुआ था। इसमें आपने करना क्या, आपने ये टेबल का ये शॉर्ट कोड उठाना है, उठाने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देना, दैट्स इट। पेस्ट करने के बाद आपने सेव ड्राफ्ट करना है। एक दफा हम लोग प्रीव्यू कर लेंगे कि ये कैसा हमें एक आउटपुट दिखाएगा। तो एंडी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जी। प्रीव्यू में है जाने के बाद ये देखिए जी, ठीक है जी, ये आपके बाकी हैं लिंक्स और ये आपका यहाँ मेन। खूबसूरत टेबल आपको यहाँ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा टेबल, ठीक है। आपने इसको पैक करना है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपने करना ये है कि आपने अपनी एक इमेज ऐड करनी है, आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो कीवर्ड्स ऐड करने के लिए हम पार्ट टू बनाएंगे इसी वीडियो का। तो पार्ट टू बनाने से पहले मैं आपको कहूँ कि आपने कैसे फीचर इमेज ये बनानी है और कैसे आपने अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है कंटेंट में। और पार्ट टू में बैकलिंक्स बनाना सिखाऊंगा और आप लोगों को ये सारा सेटअप सिखाऊंगा कि कैसे आपने फोटोशॉप के जरिए इन पिक्चर्स को एक फीचर इमेज बनानी है और साथ बैकलिंक्स बनाने हैं। लिंक बिल्डिंग जो आपकी है बैकलिंक्स, वही वही सारा आपको सिखाऊंगा। उसके बाद कहाँ कहाँ आपने इसको शेयर करना है, कैसे आपने बीच में कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जो आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है, ये जो हमने की है अपने कंप्यूटर के लिहाज से, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सवाल पूछें और काइंडली इसको शेयर लाजमी करें। ये आपका इस तरह पूरा कॉन्टेंट आपका तैयार हो चुका है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट टू में। पार्ट टू में मैं आपको यहाँ इंटरनल लिंक लगाना सिखाऊंगा और फीचर इमेज बनाना सिखाऊंगा फोटोशॉप पे, और इसकी एसईओ पूरी करनी है, ऑप्टिमाइज करना है कंटेंट को, और कैसे आपने अपने डिफरेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है जो आपके कंप्यूटर के लिहाज से थे या जो आपने रिसर्च किए हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिन जिन पे आपने रैंक करवाना है इसको। एक तो हमने ऐड कर दिया फोकस बेस्ट व्हील बैरो, बाकी हमने ऐड करना है जी। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जी।